2016 के यूनियन बजट में भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने ये निर्देश दिए थे कि संपूर्ण भारतवर्ष में 2000 किसान सुविधा केंद्र या मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल आउटलेट खोले जाए, जिसके अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने सभी उर्वरक कंपनियों को ये निर्देश दिए थे कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में किसान सुविधा केंद्र स्थापित किए जाए। इसके तहत राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 150 किसान सुविधा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की दो इकाइयां ट्रॉम्बे एवं थल महाराष्ट्र में स्थित है तथा आरसीएफ की बिक्री का 55% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र राज्य की ओर से आता है। इसलिए कंपनी ने यह तय किया था कि इन 150 किसान सुविधा केंद्र में से 121 सुविधा किसान सुविधा केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे, जो हम अब तक कर चुके हैं। इन किसान सुविधा केंद्र में मुख्य रूप से ये देखना था कि कंपोस्ट फर्टिलाइजर सहित बाकी सभी प्रकार के खाद, बीज, दवाएं एवं सभी एग्री इनपुट्स या कृषि निविष्ठाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा इनकी बिक्री निर्धारित दरों से की जाए। इसके अलावा यहाँ ये भी तय किया गया था कि एक कृषि पदवी धारक या पदविका धारक एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर इस किसान सुविधा केंद्र पे तैनात किया जाए, जो कि सभी किसान भाइयों को किसानों के द्वारा जो समस्याएं उनको लगती है अपनी फसल के इसमें उगाने में, उसका समाधान करने के लिए ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर उन्हें मार्गदर्शन दिया करें। इस मार्गदर्शन के अंदर इसका भी अंतर्भाव होगा कि संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण सुविधा होना बहुत जरूरी है। इस सेंटर पे मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना या सैंपल कैसे ड्रॉ किया जाए और उसे किस लैब में भेज के इवन उस लैबोरेटरी से प्राप्त जो परिणाम होंगे उनके बारे में भी किसानों को जानकारी देना है इस सेंटर पे। और ये भी एक सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था जो बीज टेस्टिंग के बारे में है। ये पाया गया है कि मार्केट में ज़्यादातर बीज सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज ही बेचे जाते हैं, फिर भी अगर किसी किसान भाई को बीज का टेस्टिंग करना हो तो ये सुविधा भी यहाँ रखी गई है। इसके साथ साथ मौसम के बारे में कुछ जानकारी, विभिन्न जानकारियाँ, ये सभी ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट द्वारा दी जाएगी। आरसीएफ के पास अपने खुद के 13 स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज है, 6 मोबाइल लैबोरेटरीज है, जिनमें इस मिट्टी के नमूने की जांच करके फ्री में या मुफ्त में परीक्षण किया जाता है। और ये किसान सुविधा केंद्र में जो भी नमूने संकलित किए जाएंगे उनका एनालिसिस आरसीएफ द्वारा किया जाएगा तथा इन सॉइल हेल्थ कार्ड्स का, इन एनालिसिस रिपोर्ट्स का विवरण और उसमें कोई अगर जानकारी, अधिक जानकारी चाहिए तो ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर द्वारा दी जाएगी। आरसीएफ ने जो अलग अलग किसान सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं उनमें से कुछ सेंटर्स में फार्मर्स से फीडबैक या इंटरव्यू जो लिए गए जो अभी आप देखने जा रहे हैं। किसान सुविधा केंद्राचा मोठा फायदा झालेला आहे। आपल्याकडून माती परीक्षण घेऊन आम्हाला घरपोच मिळाले आहे,
तरी आपले बायो मायक्रो 15-15 त्याचे रिझल्ट छान आले. तरी तुमची एक व्हिजिट देते तुम्हाला नक्कीच काय डोस कसा द्यायचा काय ते काय माहिती सांगते का? पूर्ण तुमच्या माणसांनी पूर्ण माहिती दिलेली आहे. सर्व पक्षाने जसं दिसते काय वाटतं तुम्हाला नेमकं किसान सुविधा केंद्राबद्दल काय वाटतंय? किसान सुविधा केंद्र चालू राहावं कारण की हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीकोनातून फायद्याचं आहे. विनंती करतो की किसान सुविधा केंद्र आपलं चालू राहावं असंच सहकार्य आरसीएफचं राहावं. केमिकल्स अँड फर्टिलायझर मार्फत इधर किसान सुविधा केंद्र का उद्घाटन हो चुका है और इधर काम चल रहा है. तो आपके ये जो दुकान के मालिक है वो महालक्ष्मी फर्टिलाइजर की तरफ से किसान सुविधा का स्थापन हुआ है और किसान सुविधा केंद्र से ये गांव के जो लोग हैं किसान हैं उनकी प्रगति होगी. इसके बारे में एक इस गाँव के किसान आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं. मेरा नाम दिग्विजय देसाई हूँ. मैं कुरगांव का किसान हूँ. यहाँ पे आरसीएफ द्वारा महालक्ष्मी फर्टिलाइजर और आरसीएफ के द्वारा किसान सुविधा केंद्र बनाया है. इसके वजह से हमारे को मिट्टी की जांच और मिट्टी को खेत कैसा करना चाहिए, फसल कैसी उगानी चाहिए और संतुलित खेती कैसी करना चाहिए, आधुनिक खेती कैसी करनी चाहिए, ये सब हमको इधर अमोल जी ने हमको बताया है और बहुत अच्छी तरीके से हमको मार्गदर्शन किया है. इसकी वजह से हमने हमारे खेत में जो गन्ना और चावल उगाया था इसके लिए हमको उन्होंने बायोला माइक्रोला और सुजला 19 सुविधा केंद्रात दर्यापूर येथे आपलं आर्थिक स्वागत आहे. तुमचं स्वागत आहे. आपलं काय नाव? हिम्मतराव गावात राहणार. मी सांगूचे राहायचो. तर आपल्या इथे दर्यापूर येथे सुविधा केंद्र सुरू झाल्यापासून आता काय फायदा झाला? सुविधा केंद्र सुरू झालं साहेब, हे आमचा योगा एक म्हणा लागल. आम्ही अन्य स्पर्धा त्या दिवशी इकडे बजेट शोरूम राहिलं होतं, काम होत होतं. तुम्ही दिसली आपल्या रिपोर्ट आले. त्या रिपोर्ट मध्ये आम्हाला संबंध की आपल्या जमिनीची वाढीची आवश्यकता आहे, तेच झालं पाहिजे. जसं आमच्या इथे पोटाची पोटाचं प्रमाण जास्त होतं आमच्या शेतात, बिर्याणी बसलं पोटाय द्या. आता म्हणजे त्या संबंधित आरसीएफ न सांगितलं आम्हाला परडले तुम्ही असं कोणता काय झालं पाहिजे, तुम्ही पेरणी कोणतं कसं झालं पाहिजे, किती केसेस झालं पाहिजे. त्याच्यानुसार आम्हाला फायदा आला. त्या ह्याच्यामुळं आधी परिस्थितीमुळे आम्ही तो केवळ फायदा आला. नंतर चुकीवर आम्ही त्या मायक्रोला मारलो होतो. मायक्रोला किती मारलं होतं? फक्त एम एल एका पंपाला 20 लिटरचा पंप होता आमचा, फक्त एम एल रस मारला होता.
पहिला फवारात नाही मारला आणि ते दुसऱ्या फवारात मारलो. पहिला फवारा मी याच्यापासून गेलो होतो औषध आपने देखा होगा कि ये जो फीडबैक आया है इन्हीं फीडबैक के द्वारा या इवन बाकी सेंटर्स किसान सुविधा केंद्र जहां है उनके फीडबैक उनके द्वारा फीडबैक जो मिले हैं उनसे आरसीएफ को ये लग रहा है कि इस किसान सुविधा केंद्र के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बहुत ही समाधानकारक सेवाएं उपलब्ध की जा रही है. और आरसीएफ का ये मानना है कि इस किसान सुविधा केंद्र में खर्च होने वाली पूंजी जो है एक्सपेंडिचर है इसको खर्च या एक्सपेंडिचर या लागत नहीं मानते हैं बल्कि ये एक निवेश है या इन्वेस्टमेंट है जो किसान भाइयों के सक्षमीकरण में खर्च की जा रही है. और किसान अगर सक्षम होगा तो ही कंपनियों का कारोबार चलता रहेगा. ये आरसीएफ का दृढ़ विश्वास है और हमें ये आशा है कि ये योजना भविष्य में आगे भी चलती रहेगी. धन्यवाद.